नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम डॉक्टर युवराज है। मैं डॉक्टर मुंगा मेडिकल क्लिनिक का सीईओ हूं और चीफ कंसल्टेंट हूं। मैं डायबिटीज प्रैक्टिस करता हूं। मैंने पहले काफी लेक्चर दिए हैं डायबिटीज के बारे में, शुगर के बारे में, मधुमेह रोग क्या होता है और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी खुराक खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, डायबिटीज मैनेज करने के तरीके क्या है। आज मैं मेरा जो टॉपिक है वो है कि एक डायबिटीज का मरीज, शुगर का मरीज क्या गलतियां करता है अपने खाने पीने में, जिसकी वजह से उसकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती या डायबिटीज कारण का कारण बन जाती। तो आई विल स्पीक अबाउट 8 कॉमन मिस्टेक्स अ डायबिटिक पेशेंट और अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन नॉर्मल पॉपुलेशन, एक आम इंसान जो गलतियां करते जिससे हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ रही है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स या सबसे बड़ी गलतियां जो हम अपनी खुराक में करते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर वन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जब बचपन से हम स्कूल जाते हैं हमें पढ़ाया जाता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपके अनाज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और आपकी फैट की मात्रा, चर्बी की और विटामिन मिनरल्स की मात्रा को बैलेंस कराना खाना चाहिए। तो एक चौथी पांचवी छठी क्लास के बच्चे को भी पता पढ़ाया जाता है कि बैलेंस डाइट में हमारे कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट 20-25%, प्रोटीन होना चाहिए 25%, 20% फ्रूट, 20% वेजिटेबल्स और लेस देन 10% फैट होना चाहिए। पर होता क्या है हमारे भारत देश में, साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे मैं जी तो सब बात करते रहते हैं, चर्चा चलती रहती है, 8% भारतीय डायबिटिक हैं, 10% होने वाले हैं, 20% बच्चों में मोटापा आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो डाइट का है या वर्जिश एक्सरसाइज या इनएक्टिविटी बढ़ने का, वर्जिश कम करने का, एक्टिविटी कम होने की वजह से। तो आज बात डाइट की कर रहे थे हम, बैलेंस डाइट। तो सबसे बड़ी मिस्टेक, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या अनाज की मात्रा हमारी डाइट में बढ़ती जा रही है, बढ़ गई है। पहले खेतों में लोग काम करते थे 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 5 7 8 रोटी, 12 रोटी दिन में 2 बार खाते थे। अब वही इंसान दिन में 15 रोटी खा रहा है और काम कुछ नहीं कर रहा, ठेकेदार बन गया है। हम डॉक्टर बन गए हैं, आप साइंटिस्ट बन गए हो, कोई इंजीनियर बन गया है। हम लोग रिफाइंड खाना खाते हैं, हम लोग कम पानी पीते हैं, हम लोग कम प्रोटीन खाते हैं, ये कारण है। तो जो बात कर रहा था मैं कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट का मतलब चावल और अनाज, अगर कोई या तो हम राइस ईटर्स होते हैं या गेहूं खाते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो रिफाइंड फ्लोर के छिलका उतार देते हैं, उसे छिलका उतारने से उसके मिनरल वेस्ट हो जाते हैं, उसकी प्रोटीन कंटेंट कम हो जाता है। और एक प्लेट के अंदर हम 3 रोटी चावल, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दाल खा लेते हैं। होता है क्या, उसमें रोटी और चावल की मात्रा जो है 60-70% बढ़ जाती है, हो जाती है। सारा जो स्नैक्स है, सारे जो भारत के खाने हैं डिफरेंट डिफरेंट राज्यों के, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, कलकत्ता हो, हर खुराक में क्या है, पराठा, पूड़ी, भटूरा, खाखरा, थेपला, समोसा, पाव भाजी, वड़ा पाव, डोसा, इडली, सबके सब आलू, आटा, चावल, ऑयल से बने हैं और सारा का सारा आज की मात्रा में उसको जंक बोला जाता है। प्रोटीन तो है ही नहीं, दाल खाते 1 कटोरी, रोटी खाते 4। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा, नंबर पॉइंट टू उसमें फाइबर की मात्रा कम है। फाइबर होता है छिलका, तो छिलके वाले आजकल आटा आता है सफेद, चावल आता है छिलके के बगैर, तो उससे उसकी प्रोटीन क्वालिटी और मिनरल्स की क्वालिटी तो कम हो जाती है और वो जल्दी शुगर बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, उसका कंटेंट बढ़ता जा रहा है। नंबर तीन,
इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोटीन है वो कम है, होना चाहिए 20-25% पूरे भारत में। पहले तो काफी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, तो हमारे पास अंडा चिकन और का जो फिश का जो सूत्र है वो कम है प्रोटीन का, काफी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन उनकी वजह से दाल चना मिलेट्स बाजरा वगैरह से हमारी जो मात्रा जो आती है प्रोटीन वो कम हो जाती है, होनी चाहिए 25% हो जाती है 10%। इंडिया में प्रति औसत या पर कैपिटा मिल्क एग और मीट की कंजम्पशन है, जो चिकन की कंजम्पशन बहुत कम है जो आदमी को मिलती है, होनी चाहिए 20-25% मिलती है 10%। तो उसके बाद चौथा है वेजिटेबल्स, सब्जियां, सब्जियां 20-25% होनी चाहिए, फल 20-25% होनी चाहिए, कंबाइंड 40-45%। हम लोग फल भी कम खाते हैं और फलों में और सब्जियों में फाइबर होता है कईयों में, उसकी मात्रा कम होने की वजह से फिर आपका क्या जल्दी सर्व अन्य हम चावल खा रहे हैं रोटी खा रहे हैं। नंबर छह, पानी का कम प्रयोग करना, पानी का प्रयोग 3-4 लीटर होना चाहिए, काफी लोग 1.5-2 लीटर पीते हैं, उससे क्या होता है पेट भरता नहीं है, हम स्नैक्स खाते हैं, पकौड़े खा लिए, समोसा खा लिया, मट्ठी खा ली, चिप्स, सातवां पॉइंट जुड़ा हुआ है प्रोसेस्ड फूड पैंट चिप्स खा लिए, नमकीन भुजिया कोल्ड ड्रिंक जूस, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, जूस नहीं पीना चाहिए, होल फूड खाना चाहिए। जूस पीने में जितनी भी पैक्ड फूड है, जितनी भी बेवरेजेस आती हैं, कोका कोलाज, ब्लैक कोलाज, व्हाइट कोला, सबने शुगर कंटेंट, हर 100 ml में 12-14 ग्राम चीनी मिलाई जाती है, लेबल को पढ़ना चाहिए ठीक से, कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। हम लोग कोकोनट वाटर को छोड़ के, नारियल पानी को छोड़ के, छाछ को छोड़ के हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बेवरेजेस पी रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, हम लोग पैक खाना मैगी नूडल समोसा भटूरा सैंडविचेस पिज्जा बर्गर, उसमें बर्गर में क्या बनता है ब्रेड, तो प्रोसेस्ड फूड में ब्रेड बिस्किट सब, ब्रेड बिस्किट किससे बनता है 40-70% फ्लोर मैदा फैट और रिफाइंड ऑयल और चीनी, तीनों ही जहर। तो यहां तो हम प्योर फॉर्म में इसको खा रहे हैं अनरिफाइंड रिफाइंड की मात्रा में, तेल की मात्रा में और आटे की मात्रा में, आटे के रूप में चावल के रूप में छिलके के बगैर, या हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। आठवां आ गया आपका फैट चर्बी, हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और दूसरी तरफ ऑयल ज्यादा है, तला हुआ खाना देसी घी और हम ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल ब्रांड को छोड़ के सारा रिफाइंड डालना की यूज कर रहे हैं जो कि जहर है, तो उसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, हर चीज तली हुई है, मैदे से बनी हुई है, चीनी से बनी हुई है, तीनों जहर है, या तो हम शुद्ध फॉर्म में घर में बनाते हैं या बाहर से खाते हैं। तो ये सब हमारा शरीर इन सबसे कैलोरी टेक बढ़ जाता है और गुड प्रोटीन गुड कार्बोहाइड्रेट गुड फैट हमारे अंदर नहीं जाता है, इसकी वजह से कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है और शुगर लेवल एकदम शूट कर जाता है, एक्सरसाइज हम करते नहीं है इससे वेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इनसे और बीमारियां, आपका कोलेस्ट्रॉल खराब होगा, शुगर बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी लगेगी, मोटापा बढ़ेगा, और ये सब बीमारियों का घर है और ये जहर की तरह आपको और दिमाग की तरह अंदर से आपको खोखला कर देते हैं। तो अपने दिन ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसको कैसे सुधारना है वो मैं अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो कृपया मेरा अगला लेक्चर ध्यान से सुनिए और अपने जीवन को सुधारिए। धन्यवाद।